नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल इजी वे इजी वे में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे बजाज डोमिनर, जो कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है 250 सीसी और 400 सीसी के साथ। बट 400 सीसी में जो कलर अवेलेबल है वो 250 सीसी में अवेलेबल नहीं था। तो आप अगर पहले वाला 250 सीसी बजाज डोमिनर का कलर से संतुष्ट नहीं है, तो आप ये दो नए कलर जो कि 3-4 दिन पहले बजाज ने अनाउंस किया है, बहुत जल्दी मार्केट में आपको ये दोनों नए कलर देखने को मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये दोनों कलर बहुत पसंद आएगा। तो ये दोनों कलर जो है, एक है ऑरोरा ग्रीन और दूसरा कलर जो है वो है वाइन ब्लैक। आप अगर इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो चलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में ये इसका स्पेसिफिकेशन और फीचर्स देख लेते हैं। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पुराने वाले कलर अगर आपको पसंद नहीं आए होंगे और आपका गाड़ी खरीदने का प्लान जो था वो कैंसिल हुआ रहेगा सिर्फ कलर के वजह से, तो इस बार आपको बजाज निराश नहीं करेगा, क्योंकि बजाज के ये जो दोनों कलर हैं तो दोनों कलर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो चलिए, कलर तो आपको पसंद आ ही जाएगा। अब हम गाड़ी का स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और थोड़ा इंजन पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पावर और इंजन के बारे में। इंजन और पावर की बात करें तो बजाज डोमिनर 250 में 248.8 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर इसमें लगा हुआ है, जो कि KTM 250 ड्यूक से लिया गया है। ये इंजन 8500 RPM पर 27 BHP का पावर और 6500 RPM पर 23.5 NM का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक स्लीपर क्लच और डुअल चैनल ABS से लेस है। लुक की बात करें तो डोमिनर 250 का लुक आप अगर कंपेयर करेंगे 400 डोमिनर से, तो ये हूबहू सेम है, ज़्यादा इसमें अंतर आपको नहीं नज़र आएगा। इसमें LED हेडलैम्प, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ट्वीन बैरल एडजस्ट दिए हुए हैं। बाइक में 17 इंच का एलो व्हील्स है। इसके फ्रंट में 300 mm और रेयर में 230 mm का डिस्क ब्रेक भी दिया गया है। सस्पेंशन और फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्रंट में अप साइड डाउन फॉर्क और रेयर में मोनोशॉक दिए हुए हैं। बाइक की लंबाई 2156 mm, चौड़ाई 836 mm, ऊंचाई 1112 mm और व्हील बेस जो है वो 1453 mm है। इसका फ्यूल टैंक 13 लीटर का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और बाइक का वजन 180 किलोग्राम है, जो कि एवरेज है। माइलेज की बात करें तो गाड़ी 34 से लेकर 35 ऑन एन एवरेज माइलेज दे रही है, जो आपका पॉकेट खाली करने में काफ़ी साथ देगी। और इसका जो टायर है ये ट्यूबलेस टायर इसमें लगा हुआ है। स्पीड की बात करें तो कंपनी का दावा है कि डोमिनो 10.5 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर पर घंटे तक जा सकती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड जो है 132 किलोमीटर पर घंटे की है। प्राइस की बात करें तो गाड़ी पहले 1,60,000 रुपये में लॉन्च की गई थी, बाद में इसको 4,090 रुपये बढ़ाई गई, और अभी आप अगर आज के डेट में इसको परचेज करने जाएंगे तो 1,70,000 के आसपास आपको ये कीमत चुकाना पड़ेगा। तो आपका बजट अगर 1.5 से 2 लाख के बीच में है और आप एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप 3 से 4 बाइक के साथ कंपेरिजन जरूर करना चाहिए। उसमें से एक यमा YZF R15 के साथ आपको कंपैरिजन करना चाहिए। दूसरा जो बाइक है बजाज पल्सर RS 200 के साथ। तीसरा जो है यमा FZ25 KTM 125 ड्यूक के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और आपको अगर थोड़ा डिफरेंट में जाना है तो आप जावा 42 के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।